ME MA 304, CNC machines and automation, unit 3rd, classification of numerical control machines, और सब यूनिट 3.6। और उसमें अपन चल रहे हैं, देख रहे हैं NC कोऑर्डिनेट सिस्टम। NC कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पहले एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि NC कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो तरीके से अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, या दो तरीके के सिस्टम के थ्रू अपन कोऑर्डिनेट्स देते हैं। पहला एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो चुका है, मैं समझा चुका हूँ, और इसके अंदर अपन एक फिक्स डाटम जो होता है हमेशा वहीं से उसी के रेफरेंस को मानते हुए अपन सारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई करते हैं, यानी अपना जो फिक्स्ड पॉइंट है, जैसे इसमें जीरो है, तो अगर जीरो का आपने फिक्स्ड डाटम पॉइंट मान लिया तो P1, P2, P3, P4 के पॉइंट्स के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो विद रेस्पेक्ट टू जीरो होंगे। हमें जीरो के रेफरेंस के अंदर ही सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं। अब अपन बात करते हैं इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट होता है डाटम, वो कोई एक जगह फिक्स नहीं होता। जो टूल की पोजीशन है, लास्ट पोजीशन है, उससे टूल को जिस पॉइंट पे जाना है, तो जो पिछला पॉइंट है जहाँ टूल अभी खड़ा है, वो टूल हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, डाटम पॉइंट हो जाता है। और उससे बाद जब वो टूल नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचता है, फिर उसके बाद उसको आगे फिर जाना है, तो जिस जगह वो पहुँचा, अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए वो उसका डाटम पॉइंट रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, और अगले पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन उसके रेस्पेक्ट में देंगे। तो इसके अंदर कटिंग टूल की जो पोजीशन है वो उसका डाटम पॉइंट होता है फॉर कैलकुलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पे हमें टूल को पहुंचाना है, या टूल का या स्लाइड का मूवमेंट होगा। और इसलिए कई बार इंक्रीमेंटल डायमेंशन मोड में लिखा हुआ प्रोग्राम, पार्ट प्रोग्राम को चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर बार आपका रेफरेंस पॉइंट या डाटम पॉइंट चेंज हो रहा है। अब इसको मैं फिगर की सहायता से, एग्जाम्पल की सहायता से और क्लियर करता हूँ। देखिए, ये फिगर 3.9 है ना। एब्सोल्यूट सिस्टम में तो क्या था कि अपन जीरो से ही सब जगह रेफरेंस मानते हुए अपन P1, P2, P3, P4 के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दे रहे थे एब्सोल्यूट में। इंक्रीमेंटल में क्या होगा कि टूल जहां अभी है, तो वहां से हम जिस जगह टूल को पहुंचाना है, जहां टूल पहुंचेगा, उसके जहां पहुंचेगा वहां के जो कोऑर्डिनेट देंगे, वो जहां पे टूल अभी खड़ा है उस जगह के रेफरेंस डाटम पॉइंट मानते हुए हम उसको डिफाइन करेंगे। देखिए, समझते हैं इसको। हमें सबसे पहले P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट देने हैं, किसमें? इंक्रीमेंटल मोड में। अब P1 पॉइंट टूल इस वक्त मैं मानता हूँ कि जीरो पोजीशन पे है, जीरो जीरो, यानी जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल रही हैं दोनों, जीरो पॉइंट पे, उस समय मेरा टूल यहाँ खड़ा है और मुझे P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट देने हैं। तो इंक्रीमेंटल मोड क्या कहता है कि जहाँ टूल अभी खड़ा है उसको आप रेफरेंस मानते हुए जहाँ टूल को पहुँचाना है उस जगह के आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दीजिए। टूल मेरा कहाँ खड़ा है? जीरो पे। कोऑर्डिनेट मुझे किसके देने? P1 पे, जहाँ टूल पहुँचेगा। तो जीरो से P1 की जो पोजीशन है एक्स और वाई में, वो P1 के अब कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो जीरो से P1 के अगर अपन कोऑर्डिनेट देखें तो एक्स एक्सिस में 1 यूनिट और वाई एक्सिस में 3 यूनिट P1 के कोऑर्डिनेट होंगे जीरो के रेफरेंस में। इतना टूल को चलना होगा। तो P1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 1 3। 1 3 कैसे हुआ? 1 तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस जीरो से, और जीरो से P1 का डिस्टेंस 3 वाई एक्सिस पे। तो P1 के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 1 3।
अब हमें P1 पे टूल पहुंच जाएगा, P1 से हमें टूल को पहुंचाना है P2 पे, तो अब हमारा रेफरेंस पॉइंट जो होगा डाटम पॉइंट वो अब जीरो नहीं होगा, टूल कहाँ पहुंच गया P1 पे, तो मुझे P1 से P1 के रेस्पेक्ट में P2 के डिस्टेंस देने, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस देने, तो P1 से टूल चलेगा और P2 पे जाएगा, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट अब P1 हो जाएगा और मैं P1 के रेफरेंस में P2 के कोऑर्डिनेट दूंगा। तो अब आप देखिए P1 से P2 पे एक्स एक्सिस में कितना टूल चलेगा, P1 का एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट और P2 के एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितनी है, कितनी यूनिट आ रहे हैं 3 यूनिट, तो P1 से P2 में वो एक्स डायरेक्शन में कितना मूव करेगा, 3 में से 1 गया यानी कि 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा P2 का 2। अब बढ़ते हुए क्रम में है मतलब बाहर की तरफ एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब P1 का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3 और P2 का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2, यानी कि इसको वाई में नीचे उतरना है तो माइनस हो जाएगा, तो पी से P2 वाई एक्सिस में माइनस में वो कितना चलेगा, 3 यूनिट तो P1 की है और 2 यूनिट P2 की है, तो 3 में से 2 गए 1, तो कितना बना -1, 2 में से 3 गया तो कितना बचा -1, तो P2 के कोऑर्डिनेट अब क्या हो जाएंगे 2 -1। ये आप देखिए ये टेबल दी हुई है पॉइंट P1, पहले तो एब्सोल्यूट में दे रखा है वैल्यू सारी सिस्टम में, P1 के कोऑर्डिनेट 1, 3 एब्सोल्यूट में, P2 के कोऑर्डिनेट 2, 3, 2, P3 के कोऑर्डिनेट 4, 2, ये P3 के कोऑर्डिनेट हो गए 4, 2 एब्सोल्यूट में, ऊपर लिखा हुआ एब्सोल्यूट सिस्टम, और P4 के कोऑर्डिनेट हो गए 4, 3। इंक्रीमेंटल में क्या होगा कि पिछले पॉइंट जहाँ टूल पहुँच गया है उससे उस टूल को कितना चलना है एक्स और वाई में वो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यानी इंक्रीमेंटल मोड में। तो P1 की अगर अपन बात करें, टूल मैंने मान लिया अभी 0 पे है, तो 0 से P1 पे जाना है उसको, तो एक्स में कितना चलेगा 1 यूनिट और वाई में कितना चलेगा 3 यूनिट, पॉजिटिव बाहर की तरफ जा रहा है टूल इसलिए पॉजिटिव, तो P1 के कोऑर्डिनेट एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल में हो गए 1, 3। ये आप देखिए इंक्रीमेंटल सिस्टम में P1 के कोऑर्डिनेट हो गए 1, 3 टेबल में। अब जब टूल P2 पे जाना है, P1 पे पहुंच गया टूल, स्लाइड पहुंच गई P1 पे, अब मेरी स्लाइड को पहुंचाना है मुझे P2 पे, तो P1 से P2 का आपको डिस्टेंस निकालना है एक्स और वाई में कितना चलेगा वो उसके कोऑर्डिनेट होंगे, तो P1 से वो बाहर की तरफ ही जा रहा है एक्स डायरेक्शन में तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, कितना चलेगा P1 यूनिट है 1 और P2 की यूनिट है एक्स में 3, तो 3 में से 1 गया कितना बचा 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट P2 का कितना हो गया ये देखिए 2। वाई कोऑर्डिनेट की अगर अपन बात करें, P1 की वाई की वैल्यू कितनी है 3 और P2 की वाई की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन अंदर की तरफ आ रहा है तो 2 में से जब 3 माइनस होंगे तो क्या बचा -1, तो P2 के कोऑर्डिनेट अब क्या होगा 3 -1, ये देखिए 2 -1, 3 में से 1 चला जाएगा ना एक्स में से तो 2 बच जाएगा और उधर अपना 3 में से 2 में से 3 माइनस होगा तो -1, तो 2 -1। अब आपका स्लाइड पहुंच गया P2 पे, तो P2 से अब आपको जाना है P3 पे, तो P2 से P3 एक्स और वाई में जो भी चलेगा मोशन वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बन जाएंगे उसके, तो P3 एक्स डायरेक्शन में बाहर की तरफ जा रहा है एक्स, P3 कितना यूनिट पे 4 पे और P2 कितना है 2 यूनिट पे एक्स डायरेक्शन में, तो 4 में से 2 गए तो एक्स कोऑर्डिनेट P3 का कितना बन गया +2, ये देखिए सॉरी P2 के 3 है हाँ और P2 का 3 है एक्स में और P3 4 पे है तो 4 में से 3 गया 1, तो एक्स कोऑर्डिनेट P3 का बन गया 1। अब वाई कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टली चलेगा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा वाई एक्सिस में, तो 2 में से 2 घटा 0 तो 1, 0, तो मेरा टूल अब कहाँ स्लाइड कहाँ पहुँच गया P3 पे। अब P3 से मुझे मेरे स्लाइड को कहाँ पहुँचाना है P4 पे, P4 पे मैं जा रहा हूँ तो बाहर की तरफ निकल रहा है टूल मेरा एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस पे तो वही है 4 की पोजीशन है तो 4, 4 पे ही चल रहे हैं दोनों,
तो P3 से जब मैं P4 पर जाऊंगा तो x में तो मूवमेंट हो जाएगा 0, और बाहर की तरफ y डायरेक्शन में कितना चलेगा, 1 यूनिट। दो P3 की अभी कोऑर्डिनेट वैल्यू 2 है और P4 की 3 है, तो मूवमेंट कितना होगा, 1 यूनिट का। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए, x तो बन गया 0 और y कोऑर्डिनेट कितना बन गया, 1। तो ये देखिए आप P4 के इंक्रीमेंटल सिस्टम के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 1। तो ये एग्जांपल देके मैंने समझाया है कि एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल के अंदर अपन कैसे काम करते हैं। जितनी भी CNC मशीन्स हैं वो एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करती हैं, और ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम पूरा प्रोग्राम केवल एक ही सिस्टम में भी बना सकते हैं या दो सिस्टम का यूज़ करके भी, हम मिक्स करके भी अपना प्रोग्राम पार्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो पूरा प्रोग्राम आप अपने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना सकते हैं। अगर आप इजी लग रहा है आपको, आप बनाना चाहते हैं, आप पूरा प्रोग्राम अपना उसके अंदर इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी बना सकते हैं। और अगर आपको कई बार, अपन को क्या करना पड़ता है, जब प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करना है और हमें टाइम बचाना है या डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बचाने हैं, तो अब हम दोनों प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, प्रोग्राम पार्ट प्रोग्रामिंग में दोनों तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करके पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उसमें मोस्टली क्या रहता है, कन्वीनियंट क्या रहता है कि जो मेन प्रोग्राम है वो तो हम एब्सोल्यूट सिस्टम में बनाते हैं, और मेन प्रोग्राम में जो सब रूटीन्स आते हैं वो हम इंक्रीमेंटल मोड में बनाते हैं। अब सब रूटीन्स, डू लूप्स, ये क्या है, ये अपन आगे के जब पार्ट प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे उसके अंदर ये टूल्स आएंगे कि व्हाट इज़ सब रूटीन्स, डू लूप, केंड साइकिल्स। तो मेन प्रोग्राम जब बनेगा, कोशिश करते हैं अपन, कन्वीनियंट भी रहता है कि वो एब्सोल्यूट में बनाएं, और सब रूटीन्स जो हैं वो सब रूटीन्स हम इंक्रीमेंटल में बना दें। तो जहाँ पे भी हमें सब रूटीन प्रोग्राम को लगाना होता है, सेट करना होता है, बीच में इंसर्ट करना होता है मेन प्रोग्राम के, तो इंक्रीमेंटल बनने से वो वहीं जिस जगह टूल पहुँचा है मेन प्रोग्राम में उसी की वो वैल्यूज़ लेके आगे अपना सब रूटीन शुरू कर देता है। तो इससे हमारी प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल हो जाती है और टाइम सेव होता है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्रोग्रामिंग में, किस तरह प्रोग्रामिंग में किस तरह का सिस्टम आप काम करना चाहते हैं। हाँ, ये मशीन को बताना पड़ता है कि मैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहा हूँ या मैं इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहा हूँ, या एब्सोल्यूट मेन प्रोग्राम के अंदर मैंने सब रूटीन लिखा तो वो इंक्रीमेंटल में लिख दिया, तो वो कैसे होता है, इसके लिए जी कोड है। तो जब हमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में लेना होता है तब हम G90 कोड देते हैं, और जब हमें इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में लेना होता है तब हम G91 कोड दे देते हैं। तो जैसे ही आप अगर G90 में काम कर रहे हैं, आपने ऊपर लिख दिया G90 प्रोग्राम के शुरू में, तो अब जब तक आप इसको मोड को चेंज नहीं करेंगे पूरी प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली G90 यानी एब्सोल्यूट में चलती रहेगी। जब हमें बीच में कहीं पे सब रूटीन लगाना है तो हम सब रूटीन जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ हम लिख देंगे G91, तो मशीन उस लाइन पे आके G90 से, एब्सोल्यूट सिस्टम से G91 यानी इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज हो जाएगी। तो ये जी कोड्स की सहायता से, G90 और G91 की सहायता से अपन ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं कि आइदर एब्सोल्यूट में काम करना है या इंक्रीमेंटल में काम करना है। इसी तरीके से अब आप जब ये डिस्टेंस दे रहे हैं, ये जो मैंने अभी फिगर में बता रखा है कि यूनिट्स 1, 2, 3, 4 हैं, ये इंच में भी हो सकती हैं और मेट्रिक सिस्टम में भी हो सकती हैं। इसके लिए अब मशीन कैसे समझेगी कि इंच में है या उसमें है, अगर आप G70 कोड देते हो तो डायमेंशन इंच यूनिट में रहेंगी प्रोग्रामिंग में। ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने G70 दिया, मशीन डायमेंशंस की जो कैलकुलेशन करेगा या चलेगा वो इंच सिस्टम को लेकर चलेगा। अगर आपको मैट्रिक में चलना है तो आप G71 कोड दे दीजिए। जैसे ही आपने G71 कोड दिया, मशीन मैट्रिक यूनिट्स को लेना शुरू कर देगी। तो ये था NC कोऑर्डिनेट सिस्टम दो तरीके से, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल। और डायमेंशंस अपन कैसे इंच में और मैट्रिक में देंगे वो भी मैंने इसमें बता दिया है।